तो केम छो मोटा भाई से। तो आज हमारे सामने खड़ी है टाटा ज़ेनॉन पिकअप, जो कि पिछले 8 महीने से ये गाड़ी बंद है। तो चैलेंजिंग ये है कि 8 मंथ के बाद क्या गाड़ी स्टार्ट होगी, तो देखते हैं। सो फ्रेंड्स, ये गाड़ी की आप हालत देख सकते हैं, पूरी धूल डस्ट से गंदी हो चुकी है। और जो कि लास्ट टाइम मैंने इस गाड़ी को, या पीछे डाला में भी देख सकते हैं, तो लास्ट टाइम इस गाड़ी को मैंने दिवाली से 2-3 महीने पहले यहाँ पे पार्क की थी। तो चलो हम गेट खोलते हैं। ओ भाई साहब, गाड़ी की हालत तो मैं देखूँ, अगर हम विंडशील्ड की बात करें तो विंडशील्ड से तो कुछ दिख ही नहीं रहा है। क्या काम आ गया, तो ये गाड़ी निकली नहीं यहाँ से। देख सकते हैं आप, पूरी गाड़ी 7 से 8 महीने गाड़ी खड़े, ज़्यादा ही 8 से 9 हो गया, क्योंकि दिवाली के पहले मैंने यहाँ पे पार्क की थी गाड़ी। अब चैलेंजिंग ये है कि गाड़ी क्या हमारी 1 साल में चालू होगी या नहीं होगी। तो फर्स्टली देखा जाए, थोड़ा सीट एडजस्ट कर लूँ मैं। तो फ्रेंड्स, ये मैं चाबी गाड़ी में लगाया, लाइट आ रही है, मतलब कि गाड़ी की में बैटरी अभी भी है। तो 8 महीने के बाद गाड़ी चालू होती है और नहीं होती, क्या लगता है आपको कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो पावर स्टेयरिंग तो गाड़ी तो ऐसे ही होगी नहीं, तो पैर पल लिया जाए गाड़ी के, 3, 2, 1। भाई साहब, साउंड सुनो गाड़ी का, आरपीएम भी देख सकते हैं, मैं हल्का रेस ले रहा हूं, आरपीएम उठेगा। भाई साहब, मुझे यकीन नहीं हो रहा कि गाड़ी 8 महीने के बाद वो भी 1 सेल्फ लिए में चालू हो गई। हॉर्न भी देख, बिल्कुल हॉर्न बज रहा है, सब कुछ हो रहा है। दोस्तों कसम से मुझे इस चीज़ की बिल्कुल उम्मीद नहीं रही कि गाड़ी 8 मंथ के बाद गाड़ी स्टार्ट हो जाए। हम जरा शीशे नीचे कर दें, गाड़ी से उतरते हैं। अब गाड़ी की हालत आप देख सकते हैं कि गाड़ी कितनी ज़्यादा गंदी है, उसके बाद गाड़ी 1 साल में चालू हुई, कहीं से कोई लीकेज नहीं, थोड़ा सा आयल, 8 महीने में इतना आयल का पकड़ना तो कॉमन सी बात है। पूरा व्यू आप गाड़ी का देख सकते हैं। तो फ्रेंड क्या बोलते हैं, इस पे और वीडियो चाहिए आपको, इस गाड़ी को आप बोलो तो हम मस्त धुल धुलवा कर कल निकाल कर इसमें हम घूम के आते हैं और आपको मैं दिखाता हूँ कि गाड़ी चलती कैसी है। तो मोटा भाई लोग, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर दो। मैं आपका भाई आप लोगों के लिए ऐसी ही शानदार शानदार वीडियो और गाड़ी के बारे में जो टैक्स होते हैं, जो फैक्ट होते हैं, वो सब मैं आपको शेयर करते रहूँगा। तो अब अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो नीचे एक प्यारा सा कमेंट कर दें, लाइक कर दें, और मैं कोशिश करता हूँ कि इस गाड़ी को मैं धुलवा के निकाल के इसकी हम ड्राइव लेते हैं। तो मिलते हैं बहुत जल्द दूसरी वीडियो पर।